हमारे पास एक हक को असर्ट करने के अगर साधन ना हो तो थ्योरी का भी कोई मतलब नहीं है, और ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। तो जहाँ तक थ्योरी की बात है, ये थ्योरी अपनी जो हक जो हमें आता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आता है, और कॉन्स्टिट्यूशन के जो दायरे हैं वो नेसेसरली डेमोक्रेटिक नहीं हैं। ये तभी हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी हैं, एक गणतंत्र हैं जो डायरेक्ट वोट या डायरेक्ट सेंटिमेंट से नहीं चलता है। वो हक हमें थ्योरी में मिले हैं, पर जब हमारे सामने जो हम कहते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म सामने खड़े हो, जैसे आज की बात कर रहे हैं हम कि एक हिंदुत्व मेजॉरिटेरियन सेंटिमेंट हमारे सामने है, तो इस हक का क्या होता है? तभी मेरे को लगता है जो नजीब ने शुरू में बात की, ये सबसे ज़रूरी बात है कि आप कांग्रेस और बीजेपी की तरफ ना सोच, बीजेपी के बारे ना सोचें, सिर्फ हम इस थ्योरी के बारे सोचें और इस हक की थ्योरी के बारे सोचें। तो कश्मीर में कुछ दशकों पहले एक मेजॉरिटेरियन टेंडेंसी, वो हिंदुत्व मेजॉरिटेरियनिज्म नहीं थी, वो भारतीय मेजॉरिटेरियनिज्म थी, और उस भारतीय मेजॉरिटेरियनिज्म के हक से अभिव्यक्ति, उस अभिव्यक्ति को दबाया गया, रोका गया, और उसके बाद साधन बाद में आते हैं। इस हक के कारण कश्मीर में हमने जो कुछ सुना है, सोचा है, वो एक कंट्रोल्ड और एक प्रोग्राम तरीके से हमारे पास आया है। हमने कभी कश्मीर के बारे खुली तौर पे रिपोर्टाज, खुली तौर पे जो सोच है, कभी उसको पढ़ा नहीं है, ना ही हमारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिन पे ये सोच हुई है। मैं 5 मिनट और लूँगा, फिर यादव जी ने भी बोलना है, उसके बाद में एंड में। तो जो थ्योरेटिकल लिमिट्स हैं हमारे सामने कश्मीर से, हम देखें वो थ्योरेटिकल लिमिट्स आज एकदम देव कम होम टू रूस्ट हमारे घर आ गए हैं। हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं वो एक हिंदुत्व मेजॉरिटेरियन हमारे ऊपर भारी है। इस थ्योरेटिकल फेयर से क्या होता है, एक कुछ हद तक मेजॉरिटी की जो भावनाएं हैं, मैं मीडिया और मीडिया के साधन के बारे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मीडिया के साधन के बिना कोई अभिव्यक्ति का हक पूरी तरह से प्रैक्टिस नहीं किया जाता है। कई चीज़ें इंटरनलाइज हो जाती हैं। ये इंटरनलाइज क्या चीज़ें होती हैं, आज मैं हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट पढ़ रहा था, आज हेडलाइन थी कि अजमेर ब्लास्ट को लेके 2 राइट विंग एक्टिविस्ट कन्विक्ट हुए। एक तो ये एक्टिविज्म शब्द का बहुत अच्छा उपयोग है, और राइट विंग के एक्टिविस्ट अपना काम करते करते कन्विक्ट हो गए हैं। बात ये है कि ये 2 आरएसएस के टेररिस्ट हैं जो कन्विक्ट हुए हैं, जिन्होंने ये ब्लास्ट कैरी आउट किया है। मेरे को नहीं लगता कि किसी ने जान के ये हेडिंग देने की कोशिश की थी। मेरे को लगता है कुछ हद तक हम वहां तक पहुंच गए हैं कि जो आदमी बैठा हुआ है वहां पर, वो जो हेडिंग दे रहा है, वो इस तौर तरीके से सोचना शुरू कर दिया है उसने। दूसरा, और ये सब चीजें कश्मीर में जो रह चुका है, कश्मीर से जो बात करता है, वो ये चीजों को 15-20-25 साल से ये चीजों को पहले से जानता है, हमें तो ये आज दिख रही हैं। दूसरा एग्जांपल देता हूं कि मीडिया को जब वो सरकार या मेजॉरिटेरियन टेंडेंसी के साथ खड़ी होती है तो उसका उपयोग कैसे किया जाता है। दुरुपयोग नहीं कहूंगा, क्योंकि मीडिया एक विंग हो जाती है सरकार की। आप याद करें कि यूपी का इलेक्शन का आखिरी दिन देखिए, बनारस में पोलिंग हो रही है, उसके एक दिन पहले उज्जैन में छोटा सा ब्लास्ट होता है। बनारस जिस दिन पोल में जाने वाला है, टाइम्स ऑफ इंडिया का हेडलाइन होता है कि ये पहली बारी देश में आईएसआईएस का एक हमला हुआ है। उस खुरासन मॉड्यूल, जिसका नाम लेते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया, उस मॉड्यूल का एक आदमी लखनऊ में मुठभेड़ चल रही है, जैसे बनारस में पोलिंग हो रही है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है एक लखनऊ की मुठभेड़ का। और ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जब प्राइम मिनिस्टर ने खुद 3 या 4 दिन लगा दिए थे, उस आखिरी दिन हमें लाइव टेलीकास्ट टेररिज्म का मिल रहा है, आईसिस का हमला हो गया है।
बनारस में पोलिंग खत्म होती है उसके एक दिन बाद पता चलता है कि ये मॉड्यूल का आईसी से कोई डायरेक्ट संपर्क नहीं है, दो दिन के बाद खबर उड़ जाती है, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो थ्योरी और प्रैक्टिस की मैं बात कर रहा हूँ, एक तो अगर आपकी राइट्स ही छिन जाए जो मेजोरिटेरियनिज्म करता है तो फिर अभिव्यक्ति रह नहीं जाती है, दूसरी प्रैक्टिस के साधनों पे कंट्रोल आ जाए तो वो नहीं रह सकती। जहाँ पे जैसे तीसरा बात कर रही थी अमेरिका की, जो भी हुए एक न्यूयॉर्क टाइम्स या वॉशिंगटन पोस्ट को डायरेक्टली सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती है, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है। यहाँ पे ऐसा कोई मास मीडिया का साधन नहीं रह गया है जहाँ पे हम फ्रीली ये सोच सकें कि खबर सरकार के अगेंस्ट अगर इंडिपेंडेंटली छापनी है तो वहाँ छाप सकती है। मैं बोल रहा हूँ आपके कोई भी मेन चैनल्स या मेन अखबारों में ये बात आज संभव नहीं है। ऑलमोस्ट क्लियर पॉलिसी है, आप पिछले दो तीन साल में देख लीजिए कि किसी भी अखबार या मीडिया में जो हम कहते हैं सरकार के टॉप थ्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह या अरुण जेटली के खिलाफ खबर नहीं छप सकती है। और इसका सामने वर्णन आया है जब फर्स्ट पोर्ट एक ऑनलाइन मॉड्यूल था, उसको जब अंबानी ने डायरेक्टली टेक ओवर किया तो एडिटर वहां से, जब एडिटर ने इस्तीफा इसलिए दिया कि पहले दिन डायरेक्शन ये थी कि आप ये टॉप थ्री के बारे कोई खबर नहीं छापेंगे, कोई नेगेटिव खबर नहीं छापेंगे। और ये आज हर मीडिया संस्था में ये बात कायम है। तो सवाल अगर अभिव्यक्ति का हम उठाएं प्रैक्टिस में, तो मेरे को लगता है कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि इंडिपेंडेंट मीडिया की जगह कहाँ है और इसे हम कैसे क्रिएट करें। इंडिपेंडेंट का मेरा मतलब ये नहीं है कि वो इस कमरे में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी भावनाएं को दर्शाते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि वो इस कमरे में लोग बैठे हुए हैं उन्हें भी कभी क्रिटिसाइज करें, एग्जामिन करें उनके बिलीव्स को भी, ना वो इस कमरे के लोगों से कंट्रोल होए ना कमरे के बाहर से लोगों से कंट्रोल होए। दिक्कत ये है, हमने कांग्रेस और लेफ्ट के समय में क्या सीखा है कि इंस्टीट्यूशंस जो जो मीडिया है वो जब तक सेक्युलरिज्म की बात करे करने दीजिए, सेक्युलरिज्म की क्रिटिसिज्म करे तो रोक दें, वो भी अभिव्यक्ति नहीं। लेफ्ट ने बार बार ये कोशिश की है कि अब लेफ्ट के दायरे से बाहर जाएंगे तो हम उस क्रिटिसिज्म को कुछ और नाम दे के रोक देंगे। जब तक हम इंस्टीट्यूशंस में एक इंडिपेंडेंट नहीं ला सकते हैं तो अभिव्यक्ति का हक हमें नहीं मिलेगा, चाहे वो बात हमारी भी हो रही हो। और ये बहुत जरूरी बात है कि हम लोग इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में सोच रहे हैं, हम उन इंस्टीट्यूशंस के बारे सोच रहे हैं जो हमारी बात करेंगे। एज ए जर्नलिस्ट मेरे को इन इंस्टीट्यूशंस में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि आपकी जो बात है वो तो मेरे को मालूम है, उसके लिए मेरे को कोई मीडिया को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे को कुछ ऐसे संसाधन चाहिए जो खुल के इंडिपेंडेंटली बात कर सकें, आपकी बातों से इंगेज करें, क्रिटिसाइज करें, लेफ्ट राइट मोदी जो भी हो इन बातों को लेके इंडिपेंडेंटली एग्जामिन करें। ये कैसे क्रिएट हो सकता है मेरे को नहीं मालूम। मैं कई चीज़ें बता सकता हूँ, आजकल कॉर्पोरेट कंट्रोल क्या है, पैसों का क्या साधन है, मीडिया पे किस तरह कंट्रोल होता है, ये चीज़ें विस्तार में इनकी बातें की जा सकती हैं। पर जब तक हम इंडिपेंडेंस ट्रू मायने में कुछ इंस्टीट्यूशंस छोटे या बड़े इनको क्रिएट करने में हम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो अभिव्यक्ति का हक का कोई मतलब नहीं है। मैं बस इतना ही कहना चाहता था, क्योंकि अभिव्यक्ति के हक के बिना क्या क्या होता है हमें दर्शाया गया है। कश्मीर का केस एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, ये हमारा लिमिट केस है कि हम वहीं पहुँच रहे हैं। कर्नाटक में आपने देख लिया है कि सरकार कांग्रेस की होए मेजोरिटेरियन टेंडेंसीज वो ही हैं, कांग्रेस की सरकार भी होए तो जो हमने लेसन्स कश्मीर से सीखे हैं, सेडिशन का चार्ज लगाना, पुलिस का इस्तेमाल करना, दुरुपयोग करना, कॉन्स्टिट्यूशन का मायना हट जाता है अगर मेजोरिटेरियनिज्म आ जाए। और यूपी का तो हमने सब ने एग्जाम्पल देखा ही हुआ है।